हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ईवीएस क्लास। आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज हिमांशी। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी शिल ट्राई टू लर्न सम मोर स्पेलिंग ऑफ फ्लावर्स नेम। हमारे लास्ट वीडियो में हम कुछ फ्लावर्स की स्पेलिंग सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ और फ्लावर्स की स्पेलिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which flower is this? Pansy. Students, pansy flower जो होता है उसे डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा है, आप किसी बिग पार्टी में जाते हो, मैरिज में जाते हो, वहां पर डेकोरेशन होती है फ्लावर से, तो फ्लावर को डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ पैंसी। आपको बच्चों पैन की स्पेलिंग तो आती है, आप सॉन्ग वर्ड में कर चुके हैं। क्या होती है पैन की स्पेलिंग? स्पीक। यस, पी ए एन, पी ए एन, पैन। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे एस वाई। अब हमारा पैंसी क्या बन गया? पैंसी, पी ए एन, पैन। और पैन के पीछे जब हमने एस वाई राइट किया तो पैंसी हमारा बन गया पैंसी। स्पीक विद मी, पी ए एन पैन, एस वाई सी पैंसी। लाउडली बोलिए बच्चों, पी ए एन पैन, एस वाई सी पैंसी। और नेक्स्ट फ्लावर इज डेजी। विच फ्लावर इज दिस? डेजी। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे इस फ्लावर को यानी डेजी को भी डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। नाउ वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ डेजी। डी, स्पीक विद मी, ए आई एस वाई, डेजी। स्पीक, डी ए आई एस वाई, डेजी। डी ए आई एस वाई, डेजी। लाउडली बोलिए, चलिए, डी ए आई एस वाई, डेजी। और नेक्स्ट फ्लावर इज, ये तो आप सबको पता होगा, यस सनफ्लावर। बच्चों सनफ्लावर जो होता है वो सन की लाइट को यानी सनलाइट को फॉलो करता है, सनलाइट को फॉलो करके ही ग्रो करता है। आपको पता है जो सनफ्लावर होता है इसका ऑयल भी आता है, आपकी किचन में मिल सकता है, अपनी मम्मा से पूछना, क्योंकि इसे ईटिंग में भी यूज किया जाता है। Now we will write the spelling of sunflower. Sun की आप सबको आती है? आती है ना? चलिए बताइए मुझे। Yes, S U N, sun. S U N, sun. F L O W E R, sunflower. Speak with me, S U N, sun. Very good. F L O W E R, flower. Sun flower. पहले हम sun की learn करेंगे, कितनी easy होती है ना, S U N, sun. S U N, sun. अब हम फ्लावर की करेंगे, ओके बेटा? F L O W E R, flower. F L O W E R, flower. Sun, flower. S U N, sun. Very good. F L O W E R, flower. तो क्या बना बच्चों? Sunflower. एंड आवर नेक्स्ट फ्लावर इज ब्लू बेल। ये जो हमारा फ्लावर होता है बच्चों,
बच्चों ये ब्लू कलर का होता है एंड ये दिखने में बिल्कुल बेल की तरह होता है। देखो इसकी जो शेप है वो बेल की जैसी है, इसीलिए हम इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, ब्लू बेल। नाउ वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ ब्लू बेल। बी एल यू ई ब्लू। ये तो आप सबको आती है ना, कलर्स निम्मी की थी। तो चलिए ब्लू की स्पीक करिए। बी एल यू ई ब्लू सबको आती है ना। अब इसके पीछे हमें लिखनी है बेल, वो भी आपको आती है। बी ई डबल एल बेल, क्योंकि बेल की स्पेलिंग भी आप साउंड वर्ड में कर चुके हैं और ब्लू की स्पेलिंग आप कलर्स में कर चुके हैं। तो ब्लू और बेल को मिलाकर क्या बना, ब्लू बेल। बी एल यू ई ब्लू, बी ई डबल एल बेल, ब्लू बेल। वंस अगेन, बी एल यू ई ब्लू, बी ई डबल एल बेल, ब्लू बेल। और नेक्स्ट फ्लावर इज मैरीगोल्ड, इट इज येलो इन कलर। मैरीगोल्ड का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है एंड ऑरेंज कलर का भी होता है। तो चलिए बच्चों अब हम मैरीगोल्ड की स्पेलिंग राइट करते हैं। एम ए आर आई मैरी जी ओ एल डी गोल्ड, मैरी गोल्ड। पहले हम मैरी, देखो आवाज सुनो बच्चों, मैरी गोल्ड। तो मैरी की स्पेलिंग होती है एम ए आर आई मैरी जी ओ एल डी गोल्ड, मैरी गोल्ड। स्पीक विद मी, एम ए आर आई मैरी जी ओ एल डी गोल्ड, मैरी गोल्ड। तो बच्चों चलिए हम एक बार अगेन रीडिंग करते हैं। P A N pan, S Y C pansy. P A N pan, S Y C pansy. D A I S Y daisy. D A I S Y daisy. Speak. D A I S Y daisy. S U N sun, F L O W E R flower, sunflower. S U N sun, F L O W E R flower, sunflower. B L U E blue, B L U E blue, B E double L bell, blue bell. B L U E blue, B E double L bell, blue bell. M A R I Mary, ma'am के साथ बोलिए, M A R I मैरी, जी ओ एल डी गोल्ड, मैरी गोल्ड। वंस अगेन बच्चों अब आपको लाउडली स्पीक करना है। पी ए एन पैन, एस वाई सी पैंसी, डी ए आई एस वाई डेजी, मैम के साथ बोलते रहिए। एस यू एन सन स्पीक।
E-R, flower, sunflower. B-L-U-E, blue. B-E-L-L, bell, blue bell. M-A-R-I, Mary. G-O-L-D, gold, Mary gold. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने फ्लावर्स की स्पेलिंग सीखी है. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. यू ऑल हैव एंजॉय दिस टॉपिक. आपने एंजॉय किया? यस, वेरी गुड. और अब आपको ये कहाँ राइट करनी है? नोटबुक में, क्योंकि बुक तो फिनिश हो गई है. तो आप सभी को अपनी नोटबुक में ये फ्लावर्स की स्पेलिंग राइट करनी है एंड लर्न करनी है. ओके स्टूडेंट, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एंजॉय करेंगे बर्ड्स के साथ. बाय बाय.